नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब इन 24 में। इस समय कल्पना चावला के इमरजेंसी विभाग के बाहर खड़े हुए हैं और आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा जो कि रात के समय में हो जाता है, कोयर गांव के रहने वाले दंपति जो कि पति पत्नी अपने बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पर जो है वो वापिस आ रहे थे किसी प्रोग्राम से और आते हुए एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार देती है, जिसके बाद परिवार के सभी लोगों को भयानक चोटें लगती हैं, जिसमें सभी परिवार के लोगों के जो फ्रैक्चर आते हैं, जिसमें दो बच्चे हैं, लड़के हैं और पति पत्नी को भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं। तो एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, उनके परिवार के कुछ लोग हैं हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका, किस कहाँ से हैं? मैं बालकृष्ण हूँ सर, नेवल गांव से हूँ। मेरी सगी बुआ का लड़का है ये सागर। अच्छा। सागर अपने शादी के लड़के के जन्मदिन से पानीपत से वापिस आ रहा था। हाँ। तो कोयर और दगत्याणा के बीच स्विफ्ट डिजायर गाड़ी नंबर H4 05 AX 4198 गाड़ी ने गफलत और तेजबाजी से गाड़ी चलाते हुए टक्कर मारी, जिससे सागर व सागर के बच्चे पूरा परिवार साइड में जाके खेतों में गिरा, जिससे सागर की टांग टूट गई, सागर के पेट में हैंडल बढ़ गया, सागर के छोटे लड़के की दोनों टांगें टूट गई और बाजू टूट गई, और जिससे उसके बाथरूम का जो हिस्सा पार्ट है उसके अंदर काफ़ी जख्म है। अच्छा। सागर की वाइफ का काफ़ी चोटें हैं, सागर के लड़के को, बड़े लड़के को सागर के की टांग टूट गई है। मतलब चार लोगों को चोटें, चार लोगों को चोटें, जिसमें से छोटा लड़का ज़्यादा सीरियस है, छोटा बेटा ज़्यादा सीरियस है। हाँ जी। तो फ्रैक्चर आए हैं सभी को, टांगों के ऊपर आए हैं, टांगों के बाजुओं के ऊपर फ्रैक्चर आया है सर, टूटी हुई है। तो आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाने का प्रयास करते हैं जो सागर हैं, जो कि कोयर गांव के रहने वाले हैं और जिनमें उनको चोटें बहुत ज़्यादा आई हैं। तो आपको दिखा दें सबसे पहले तस्वीर, अगर आपको हम दिखा सकें कि काफ़ी ज़्यादा चोटें उन्हें आई हैं, फ्रैक्चर उनकी टांग के अंदर हुआ हुआ है। और इसके अलावा आपको एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि पेट के अंदर जो है, बता रहे थे कि हैंडल घुस गया था और यहाँ पर देख लीजिए पेट में भी काफ़ी ज़्यादा चोट उनको आई है। इसके अलावा आपको बता दें कि उनका जो एक बेटा है, ये छोटा बेटा आप देख सकते हैं कि जिसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो चोट है उन्हें आई है, दो उनके बेटे हैं और ऐसे में फ़िलहाल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है उसे भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई हुई है, दोनों ही टाइम के दोनों टांगों में फ्रैक्चर है, दोनों टांगों में, दोनों टांगों में, दोनों टांग है, ये छोटा बच्चा, ये छोटे वाला है, टांगों में एक, तो दोनों टांगों में उसे फ्रैक्चर आया है और बाजू में भी उसे फ्रैक्चर आया हुआ है। इसके अलावा आपको नंबर दिखा देते हैं, जो गाड़ी का नंबर है वो H4 05 AX 4198, जो कि स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी कोयर गांव से वापस जो है वो आ रही थी और ये लोग कोयर गांव के रहने वाले हैं, तो ये कोयर की तरफ जा रहे थे, तो ऐसे में जो है रास्ते में ही बता रहे हैं कि जो एक्सीडेंट जो है ये होता है, यानी टक्कर लगती है काफ़ी तेज़। तो जैसे ये हादसा हुआ अचानक से, तो कैसे मतलब अचानक से हो गया, आप बात करने का प्रयास किया आपने कि वो क्या तेज़ थी गाड़ी या क्या था? गाड़ी तेज़ थी, जो पड़ोसी खेत में से निकल रहे थे, गाड़ी तेज़ थी, उन्होंने दारू वगैरह पी हुई थी। हाँ। तो गांव, कुछ लोग गांव दगत्याणा के पहुंचे तो कुछ कोर के पहुंचे, तब हमें पता लगा, हम भी मौके पे वहां पे पहुंचे। ये लड़के का सगा चाचा है। हाँ जी, मैं चाचा हूँ। हाँ जी, आप चाचे हैं उनके जो सागर हैं? हाँ जी, उसका चाचा हूँ जी। अच्छा। आपको कब पता चला था इसके बारे में, एक्सीडेंट हो गया उनका? हाँ, मैंने जी गली पता चल गया था जी। अच्छा। आप भी कोयर में रहते हैं? कोयर में रहता जी, उसका चाचा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो वो जो व्यक्ति थे जो कि गाड़ी में, कितने लोग थे उस समय? जिन्हें नहीं पता, जो कार के अंदर थे वो छोड़ के भाग गए। छोड़ कर भाग गए जी, हमने नहीं पता जी। अच्छा, उसके बारे में नहीं पता है? नहीं जी, हमने कार छोड़ कर भाग गए। कार छोड़ कर भाग गए जी। तो आपको एक बार तस्वीर दिखा दें, वो गाड़ी भी काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई, अगर आप देख सकते हैं कि ये मोटरसाइकिल पर थे सभी, और ये तस्वीर अगर आप देख सकें कि गाड़ी स्विफ्ट जो डिज़ायर है कितनी बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हुई है, आगे का एक हिस्सा पूरा जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा जो है ये होता है, किस तरीके से, और यहाँ पर जो है जिस तरीके से परिवार के सभी लोगों को, जिसके अंदर दो बच्चे हैं और इसके अलावा एक उनके जो पिता हैं और जो उनकी बच्चों की जो माँ है उन्हें, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये वीडियो इसके अंदर बनाई है, जिसमें एक मोटरसाइकिल जो कि किस तरीके से पड़ी हुई है और ये खेतों के, बिल्कुल खेतों में ही ये बाइक जो है वो गिर जाती है। और फिलहाल जो है, आपने अभी क्या मौके पे जो है बता रहे हैं कि वो लोग जो कार में सवार थे वो तो नहीं थे, तो अभी आपने फिर FIR वगैरह करवाई? FIR वगैरह करा दिया, पुलिस मौके पे पहुंची है, बयान लेने लग रही है, बयान लेने लगी है। हाँ जी,
और जो मौके पे थे राजकुमार राजपाल जी, राजपाल कहाँ गया? अच्छा। कोई बात नहीं, राजपाल जी अंदर हैं, जो मौके पे था और वो उस गांव को और का सरपंच शक्ति भी मौके पे मौजूद था इनको निकालने में। अच्छा, तो मौके से यानी कि उनको मतलब ले लिया गया था, अस्पताल पहुंचाया गया था। मौके पे एम्बुलेंस आ गई थी सर, निकदु से सरकारी एम्बुलेंस आई थी, पर्सनल गाड़ी में आ नहीं सके थे, हम पर्सनल गाड़ी भी लेके गए हुए थे सर, तो हम इनको एम्बुलेंस में लेके यहाँ आके एडमिट कराया उपचार के लिए। जी 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 जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्हें चोटें आई हुई हैं और फिलहाल ये पता नहीं अभी लग पा रहा है कि कौन लोग उसके अंदर थे, लेकिन बता रहे हैं कि फिलहाल सुनने में आ रहा है एक से मतलब दो लोग उसमें हो सकते हैं उस गाड़ी के अंदर, जिन्होंने ये जिस तरीके से हादसा होता है उसमें बता रहे हैं कि तेज़ रफ्तार की वजह से ये हादसा हुआ है, जिसमें दो बच्चे और उसके अलावा जो पति पत्नी है वो एक मोटरसाइकिल पर किसी के फंक्शन से वापस आ रहे थे पानीपत से, और रास्ते में जो है ये हादसा इस तरीके से हो जाता है। कोयर गांव जो है वहीं के रहने वाला ये परिवार है, और अभी फिलहाल बता दें कि उसमें ये भी बता रहे हैं कि जो छोटा बच्चा है वो फिलहाल उसे सीरियस बताया जा रहा है, और आपको बता दें इमरजेंसी विभाग के बाहर खड़े हैं जहां पर फिलहाल उन्हें लेकर आया गया है, और अभी फिलहाल परिवार के सभी लोगों को आपको बता दें कि फ्रैक्चर आए हुए हैं टांगों के ऊपर, हाथों के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा उन्हें चोटें लगी हुई हैं। तो फिलहाल जो है FIR दर्ज की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के मामले देखे जा सकते हैं। हो सकता है ये मामला ड्रिंक का हो सके, क्या लग रहा था कि किसी ने बताया कि वो लोगों ने क्या ड्रिंक पी रखी थी, ऐसा कुछ कोई पड़ोसियों ने बताया जी, जहाँ लोग इकट्ठे हुए थे भाई उन्होंने बहुत ज्यादा दारू पी रखी थी। मौके पर थे जब लोग पहुंचे, वो वहाँ थे उस समय? नहीं, उस समय भाग गए थे जी, वो भाग गए थे क्योंकि वो कोर के और उसके बीच खास गाँव का फर्क नहीं है मारने वालों के। तो उन लोगों को किसी ने देखा भी है, वो लोग कौन थे? लड़के भागते देखे जी उन्होंने, भागते देखे? हाँ, पहचाने नहीं गए, कोई पहचाने नहीं गए, गाड़ी छोड़ के भाग गए, चली गई तो छोड़ के भाग गए गाड़ी। आप उनके परिवार से कौन है? हाँ जी, मैं उसका भाई हूँ जी। आप भाई हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी फिलहाल जो FIR वगैरह करवा दिया, पुलिस वगैरह आई हुई है, बयान ले रही है सर। तो आपसे अपील, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। फिलहाल जो बता रहे हैं कि पड़ोस के ही गांव के रहने वाले वो हो सकते हैं, जो नंबर हमने आपको दिखाया डिज़ायर स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी का, लेकिन फिलहाल FIR दर्ज की जा रही है और आगे मामले की छानबीन की जाएगी कि आखिर किन कौन से शख्स थे जिन्होंने इस तरीके से एक बड़ा हादसा किया, और पूरा परिवार ही जो है इस समय, आपको बता दें पूरा परिवार जो है वो इस समय एमरजेंसी के इस विभाग के अंदर अब कल्पना चावला के जो है एडमिट है, और सभी को काफ़ी गंभीर चोटें लगी हुई हैं, फ्रैक्चर आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी हाथों पर, बाजू पर, और इसके अलावा जो उनकी पत्नी है उनको भी आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी कि उनके यूरिन करने में भी उन्हें दिक्कत आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें गंभीर चोटें लगी हैं। तो आपसे पहले इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें, फिर से जुड़ेंगे IBN24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।